आधार कार्ड सेफ्टी को लेकर समय समय पर डिबेट होती रहती है। कभी आधार डेटा लीक की खबरें आती हैं तो कभी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यूजर का डेटा सेफ है। क्या हो अगर कोई ये कहे कि आपका आधार कार्ड फुल प्रूफ नहीं है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। आधार कार्ड एक जरूरी आइडेंटिटी प्रूफ है और सरकार इसके डेटा को फुल प्रूफ बताती है, मगर क्या हो अगर किसी के हाथ इसमें सेंध मारी का तरीका लग जाए। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कोई तरीका है तो अब तक किसी की नज़र में क्यों नहीं आया। दरअसल इसकी वजह अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे लोगों से होती है जो यूजर्स के कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा के जरिए कुछ बुरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा उन खामियों से मिलता है जो सामान्य लोगों को शायद ही नजर आए कभी भी, मतलब सामान्य लोग मतलब हम और आप जैसे लोग। इस साल मई में एक मामला सामने आया जहां एक महिला का PNB अकाउंट इसीलिए कॉम्प्रोमाइज हुआ क्योंकि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में खामी थी। इस सिस्टम का यूज करके यूजर किसी माइक्रो ATM या POS से पैसा निकाल सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में यूजर्स का पैसा निकालने के लिए आधार नंबर, बैंक का नाम और अपना फिंगरप्रिंट सेंसर देना होता है। यहाँ पर स्कैमर्स एक सिलिकॉन थंब का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से किसी यूजर के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। मौजूदा समय में आधार से जुड़े फ्रॉड्स को रोकने का एक आसान तरीका 16 डिजिट की वर्चुअल ID है। वही किसी POS सेंटर में पैसा निकालने से पहले यूजर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि डिवाइस STQC डायरेक्टोरेट है या नहीं। ज़्यादातर बड़े डेटा ब्रीच में एक पैटर्न देखने को मिलता है जहां डेटा का एक बड़ा हिस्सा एक कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी साइट पर पड़ा होता है। जून 2022 में PM किसान सम्मान निधि पोर्टल पर यूजर्स के पड़े डेटा के साथ भी ऐसा ही था। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने इन संबंध में एक आर्टिकल भी लिखा था। इस दिक्कत को CERT को पहले ही बता दिया गया था। जानकारों के पब्लिक होने से पहले खामी को ठीक कर दिया गया था। आप सिर्फ गूगल पर आधार स्कैम सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरह से आधार का मिसयूज किया गया है। लगभग 4000 शेल कंपनियों में स्टोरेज आइडेंटिटी का मिसयूज किया जा रहा था। इनमें 16000 फेक GST रजिस्ट्रेशन है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 30,000 करोड़ की GST चोरी का ये रैकेट 16 राज्यों में फैला हुआ था। इसमें 18,000 आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा गलत तरीके से यूज किया गया था। इन डेटा को सरकारी स्कीम्स की वेबसाइट से चुराया गया था। अगर हम दूसरे देशों के सिक्योरिटी फीचर्स से खुद को कंपेयर करें तो पाएंगे कि खामी कहां पर है। जर्मनी के ID कार्ड पर्सन ऑजवेज जेस्ट को ले लीजिए, ये अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये ID कार्ड 23 सिक्योरिटी फीचर के साथ आता है और इसकी जानकारी आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। जर्मनी में एक ऐसा कानून भी है जो PAUSWG कार्ड की इलेक्ट्रिकल स्कैनिंग से रोकता है। आधिकारिक यूज के लिए सिर्फ इसके कॉपी यूज की जा सकती है, उसे भी काम होने के बाद डिस्ट्रॉय करना होता है। वहीं दूसरी तरफ आधार को देखेंगे तो इसे एक कार्ड से ज़्यादा एक नंबर के तौर पर काउंट किया जाता है। आधार के लिए नया QR कोड फीचर फरवरी 2018 में रिलीज किया गया है। हालांकि कई QR स्कैनिंग ऐप्स इन कोड्स का डेटा स्टोर करते हैं जो इसके मिसयूज के तरफ इशारा करता है। तो सरकार को इसके सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए और इसे और ज़्यादा ठोस बनाना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।